नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की देश और दुनिया से जुड़ी प्रमुख 11 खबरों की ओर। यूपी में प्रियंका गांधी बोली, पुरुषों के हाथों में सत्ता इसलिए महिलाएं असुरक्षित। उत्तर प्रदेश के दौरे पर गई प्रियंका गांधी ने वहां की एक जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं की असुरक्षा पर चिंता जाहिर की है और पुरुषों पर तंज भी कसा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अपनी बहनों और माताओं से कहना चाहती हूं कि आप घर से बाहर निकलिए और पंचायत, विधानसभा एवं लोकसभा में चुनाव लड़कर पुरुषों के हाथों से सत्ता छीनिए, तभी आप अपने खिलाफ बने असुरक्षा के माहौल को दूर कर पाएंगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर्यटकों के मामले में अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी निकला आगे। साल भर पहले अनावरण हुए देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को रोजाना देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या अमेरिका के 133 साल पुराने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पर्यटकों से ज्यादा हो गई है। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दूसरे साल के पहले महीने में पर्यटकों की संख्या औसतन 15,036 पर्यटक प्रतिदिन हो गई है। आपको बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने रोजाना 10,000 पर्यटक पहुंचते हैं। बिग बॉस 13 में नया ट्विस्ट हो सकती है, एक और नई एंट्री। अपने ट्विस्ट और टर्न्स के लिए चर्चित शो बिग बॉस 13 में मेकर्स एक और ट्विस्ट लाने वाले हैं। खबरों की माने तो आने वाले दिनों में घर के अंदर सीजन 11 में प्रतिभागी रहे विकास गुप्ता की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। बता दें कि विकास गुप्ता ने बिग बॉस के 11वें सीजन में अपने शानदार गेम की वजह से मास्टरमाइंड का तमगा हासिल किया था और उस सीजन में उन्होंने अपने गेम प्लान की वजह से फाइनल तक की सफर तय की थी। उत्तर प्रदेश की साक्षी ने आईएएस बन पिता के अधूरे सपनों को किया पूरा। उत्तर प्रदेश के रॉबर्टगंज में रहने वाली साक्षी ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बनी है। साक्षी के आईएएस बनने पर उनके पिता ने कहा है कि वे भी आईएएस बनना चाहते थे लेकिन निजी कारणों से बन नहीं पाए, परंतु आज बेटी ने आईएएस बन मेरे उस अधूरे सपने को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चले कि बेटी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है तो उन्होंने अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट किया और साक्षी को मानसिक रूप से भी मजबूत किया। साक्षी ने भी इस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत कि साक्षी आज उन बेटियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं जो पढ़ लिखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा, सुस्त हुई अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कर रहे हैं जरूरी प्रयास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अगस्त और सितंबर माह में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई ऐलान किए थे। इन ऐलान के बाद सरकारी बैंकों ने करीब 5,00,000 करोड़ का लोन 2 महीनों में बांटा था। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर भी खर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसको लेकर जल्द ही कुछ और बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। योगी सरकार ने बदला एक और रेलवे स्टेशन का नाम। जगहों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की अपनी सूची में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अन्य रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। उन्होंने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। वहीं इस संबंध में बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब जिला सिद्धार्थ नगर था तो रेलवे स्टेशन का नाम नौगढ़ होने का कोई मतलब ही नहीं बनता था और यह नाम केवल पर्यटकों के बीच भ्रम पैदा करता था, इसलिए इस स्टेशन का नाम बदलना जरूरी हो गया था। बढ़ेगी महंगाई की मार, क्योंकि सरकार कर सकती है जीएसटी स्लैब में बदलाव। महंगाई का सामना कर रही जनता पर सरकार अभी कोई राहत देते नहीं दिख रही, बल्कि जीएसटी स्लैब में बदलाव कर खाने पीने के साथ अन्य कई वस्तुओं पर और टैक्स लगा सकती है। अभी अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाले 5, 12, 18 और 28% के 4 टैक्स स्लैब शामिल हैं, लेकिन क्योंकि सरकार को जीएसटी से उतनी आय नहीं हो पा रही है जितना उसने सोचा था, इसलिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% वाले स्लैब को 6% स्लैब में बदला जा सकता है। इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जीएसटी पैनल में शामिल अन्य राज्यों के वित्त मंत्री आगामी 15 दिसंबर को एक बैठक कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए आईआरसीटीसी का नया प्लान। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल वैष्णो देवी स्थल पर करोड़ों की संख्या में हर साल श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी शानदार प्लान लेकर आया है। इस पैकेज में मात्र 4,110 रुपये में सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस पैकेज में आप कम समय में यानी 3 दिनों में ही यात्रा कर लौट सकते हैं। आईआरसीटीसी के इस टूर प्लान में 2 दिन नाश्ते की सुविधा भी दी जा रही है। अगर 2 लोग एक साथ पैकेज लेते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति के लिए मात्र 2600 रुपये लगेगा और 3 लोगों में एक व्यक्ति के लिए केवल 2420 रुपये देने होंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात।
मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उद्धव शुक्रवार शाम को पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पुणे एयरपोर्ट पहुंचे और फिर मुंबई के लिए रवाना हुए। हालांकि अभी ये बात पता नहीं चली कि उनके बीच क्या बातें हुई। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए अमित शाह, भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ कांग्रेस एनसीपी की मदद से उद्धव मुख्यमंत्री बनने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य बने हैं। प्याज की कीमत 165 के पार, जनवरी से मिलेगी राहत। देश में प्याज की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। गोवा की राजधानी पणजी में प्याज 165 रुपए के पार चला गया। केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार विपणन कंपनी MMTC कीमतों पर लगाम लगाने के लिए प्याज आयात कर रही है। 20 जनवरी 2020 तक प्याज भारत में आने की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने कहा कि प्याज की कीमत में उछाल लंबे समय तक अत्यधिक बारिश से फसल पर असर पड़ने के कारण हुआ है। पीएम मोदी के 2 साल में हासिल करने के लक्ष्य को संस्थान ने 1 साल में किया पूरा। आदिवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय के विकास और शिक्षा के लिए काम कर रहे एकल ट्रस्ट ने पूरे देश में 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय खोल दिए हैं। गुजरात के सोनगढ़ में बने 1 लाखवें एकल विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। आपको बता दें कि यह संस्था सरकारी लाभ लिए बगैर तमाम विश्वविद्यालयों को चला रही है, जिसका अंदाजित खर्च 220 करोड़ रुपए है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।